हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं आ गई हूँ सरोजी नगर मार्केट। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो आज मैं अगेन सरोजी नगर मार्केट की वीडियो लेकर आप सबके सामने आ गई हूँ। एंड मैं सरोजी नगर मेट्रो के सामने खड़ी हुई हूँ एंड मेरे सामने मार्केट का गेट है जो कि आपको दिख रहा होगा। मार्केट करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो शाम का टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही होती है। सो इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं एंड ये सबसे अच्छा टाइम है मार्केट करने का। सो चलते हैं फिर सरोजी नगर मार्केट। इस टाइम आने का एक बेनिफिट हो गया कि हम गंदी सी धूप से बच गए। जैसे ही आप गेट से एंट्री लेते हो, आपको यहाँ पर पिट्ठू बैग एंड हैंड बैग का कलेक्शन देखने को मिलेगा। ये जो हाथ में ब्लैक कलर का बैग है, ये 350 का है एंड आपको जितने भी सामने दीवार पर दिख रहा है, ये सारे 350 के हैं एंड जो नीचे थे वो 300 के हैं। एंड के जिस बिल्कुल पास में ये हैंड बैग के कलेक्शन था, जो कि इनके पास न्यू कलेक्शन आया हुआ है। एंड जो इन बैग्स का प्राइस है ना, वो 300 का है। आप कोई सा भी बैग लोगे, 300 का आपको वो मिलेगा। एंड जो डिज़ाइन है बैग्स की, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। न्यू ट्रेडिशन जो चल रहा है, वो वाला बैग है इनके पास। जस्ट इसके सामने ही ना आपको ये शॉप नज़र आ जाएगी। इसके नीचे एक भैया ने अपना स्टॉल लगा रखा है, जो कि ये छोटे छोटे जो टॉप होते हैं वो ले रखे हैं इन्होंने, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के। ये जो राखी ने अपने हाथ में लिया है, ये भी 100 रुपीज़ का है। एंड जस्ट इसके सामने से आप जैसे सीधे सीधे जाओगे, आपको क्लॉथ मार्केट मिल जाएगी देखने को। यहाँ पर आपको जो भी ड्रेस दिख रही है, आपको इस टाइप की ड्रेस सारी देखने को मिलेगी। एंड थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको बैग मिल जाएगा। बैग जो कलेक्शन होते हैं वो इनके पास है एंड इसका जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस आपको ये जो सामने दिख रहा है ना, ये इनके पास 280 का प्लाजो सेट था, मतलब कि पूरा ऊपर का भी कुर्ती है एंड नीचे का भी सेम एज है। आपको येलो वन दिख रहा होगा एंड बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती थी, मतलब 280 में, मतलब क्या ही बुराई है, मतलब 280 में आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी। एंड मुझको ये वाइट वन मिला। ये मतलब अगर हम बाहर से भी लेते हैं तो बहुत ही मतलब कॉस्टली पड़ता है। एंड ये ऊपर की कुर्ती है, इनके इसके साथ प्लाजो भी है इसका 280 में बस। तो आगे चलते हैं। आगे जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब अभी मैं क्लोथ मार्केट में ही चल रही हूँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है वो सारे टॉप्स का है एंड जीन्स का है, क्योंकि क्लोथ मार्केट में तो जनरली यही सब होता है। एंड शॉर्ट टॉप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक जीन्स दिखाती हूँ, ये देखो, इस तरह की जीन्स आपको 200 में ईज़िली मिल जाएंगी, मतलब फटी हुई। एंड ये लिटरली बिकती भी बहुत ज़्यादा है, लोग इसी टाइप की जीन्स भी बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। एंड 200 में आपको मिल जाएंगी इस तरह की। यहाँ पर आपको पार्टी वेयर एंड वेडिंग ड्रेसेस भी काफ़ी देखने को मिलेंगी। शरारा गरारा सूट जो होता है, इन दुपट्टा, ये सब भी इनके पास है। अनारकली ड्रेसेस, कुर्ती, ये सब भी है यहाँ पर। एंड शॉर्ट टॉप जो कि 200 की सेल लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है वो शॉर्ट ड्रेसेस का है, इसलिए फेमस भी है कि सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती है डिस्को। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को। इस शॉप पर आपको नाइट ड्रेस मिल जाएगी, टी शर्ट्स मिल जाएंगी एंड जो पजामा कुर्ती होती है वो मिल जाएगा। ये वाली शॉप पे आपको इस तरह की ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आपको दिख ही रही होंगी। एंड ये भी सेल में लगी थी 200 और 250 पर। सेम यही सिल्वर ज्वेलरी मैंने वहाँ दिल्ली हाट में पता की थी। राखी, तुम्हें पता है कितने ज़्यादा की थी ना, 300 और 500 के बीच की थी एंड यहाँ पर ये 100 रुपीज़ की। और ईयर रिंग्स का क्या प्राइस है भैया? 100 के। इस शॉप पर फुटवेयर का कलेक्शन है इनके पास। सामने जितनी भी हील्स लगी हुई हैं, ये इनका जो प्राइस है 450 अराउंड है एंड 350 है एंड 250 है, मतलब जितने भी शू आपको दिख रहे हैं, स्लीपर्स दिख रही है, इन सब के प्राइस अलग अलग हैं। एंड जो नीचे सरफेस पे है वो उनका प्राइस अलग है। ये 250 की हैं जितनी भी इन्होंने सेल लगा रखी है, नीचे वाली एंड ऊपर वाली जितनी भी हैं ये 350 की हैं। ये सामने जितनी आपको रेड वन दिख रही है, ब्लैक दिख रही है सारी, ज़्यादा
आप इसी लाइन में जैसे जैसे सीधे सीधे जाओगे आपको ये भैया मिल जाएंगे जो कि इन्होंने अपनी शॉप लगा रखी है और इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छे हैं सिल्वर ज्वेलरी के। एंड जो ये फ्लावर्स वाले आपको दिख रहे हैं ये न्यू आए हैं। एंड ये जो इनका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एंड जितनी भी ये ज्वेलरी आपको दिख रही है इयर रिंग्स ये आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप 30 रुपीज़ में इनसे कोई सा भी कलेक्ट कर सकते हो। मैं इस वक्त मेट्रो के गेट नंबर 2 के आसपास हूँ और इसके जस्ट सामने ही आपको इन भैया की शॉप नज़र आ जाएगी। इनके पास ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था। एंड अभी जो आप देख रहे हो ये जितने भी इयर रिंग्स हैं ये इनके पास 100 रुपीज़ का है। आप 100 रुपीज़ में कोई सा भी ले सकते हैं। एंड ये झुमकी जो मेरे हाथ में इस वक्त ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड इसका जो वेट है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत हल्का है, दिखने में हैवी लगती है बट ये होती नहीं है। एंड ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं जितनी भी हैं। सारे जो कलेक्शन है वो न्यू है, ट्रेडिशन है एंड बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कलेक्शन। एंड इनके पास नेकलेस भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, मतलब चोकर टाइप के भी हैं और इस तरह के भी हैं। ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये वाइट कलर की मोतियों पर बना हुआ है, इस तरह का है, ये भी 100 रुपीज़ का है। एंड ये कोई सा भी आप इसके पास इनके पास से लोगे तो वो 100 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। इसके साथ छोटी छोटी सी इयर रिंग्स हैं जो इसके ऊपर ही लगे हुए हैं, मतलब इयर रिंग्स एंड नेक पीस है ये इस तरह से, तो ये आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। मल्टी कलर भी है इनके पास, रेड कलर भी है और मतलब कि इनके पास सारे ही कलर हैं। ये मल्टी कलर में है इनके पास, ये रेड कलर का है, इस तरह के इनके पास जो कलेक्शन है नेकलेस के भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। पास में ही रिंग भी लगा रखी है इन्होंने, मतलब जितनी भी ये रिंग आपको दिख रही है 50 रुपीज़ की है। कोई सी भी आप इनसे ले सकते हो, 50 रुपीज़ की आपको पड़ेगी। ये वाली रिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बट मेरे छोटू से हाथ है तो उसमें ये ज़्यादा ही मतलब ओवर हो रही है। एंड ये ब्लैक वन भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है बट मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन सी लूँ। मैं इनकी शॉप से जाने ही वाली थी कि इन्होंने मुझे एक नया कलेक्शन दिखाया। ये इस तरह का 3 लेयर में नेक पीस था तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मरून कलर का भी था और इनके पास 2 शेड में भी था तो मैंने ये मरून वन इनसे ले लिया। एंड ये 100 पीस का है, मैंने इनको बोला कम करने को बट इन्होंने कम नहीं किया, तो आप आगे से ध्यान रखना अगर आप आते हो तो ये आगे कम नहीं करेंगे, इन पर जो है सो ही वही देंगे। एंड जस्ट इसके पास में एक और स्टॉल थी जिनके पास सिल्वर इयर रिंग्स का कलेक्शन था, तो ये जितने भी इयर रिंग्स आपको ऊपर से लेके नीचे तक दिख रहे हैं ये 30 रुपीज़ में थे। 30 रुपीज़ में आप इनसे कोई सा भी इयर रिंग ले सकते हो। एंड जो सामने झुमकी वाले हैं वो 50 रुपीज़ के थे। ये वाले स्टॉल लगा हुआ है इनके पास वाइट कलेक्शन है, वाइट टॉप का कलेक्शन है जो कि 100 रुपीज़ का है। एंड मैं सच्ची बताऊँ तो इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब फैब्रिक अच्छा है। ये वाइट वाली शर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इनके पास सारी शर्ट है ऑलमोस्ट बट जो आगे वाला था वो टॉप मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो इनसे जो मैं आगे वाला टॉप है वो ले रही हूँ। सो मैंने ये टॉप ले लिया। आगे चलते हैं। इनके पास 200 का शरारा है, मतलब ये शरारा इस तरह का है कि आप वेयर करोगे तो लगेगा आपको कि आपने लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी है, मतलब इतना ज़्यादा क्रोम है इसके अंदर। तो इनके पास ये येलो कलर का भी है, ग्रीन कलर का भी है, तो आप यहाँ से इसे भी ले सकते हैं महज 200 में। एंड यहाँ पर जेंट्स शॉर्ट्स भी हैं इस तरह के जो कि 150 के थे। एंड 200 के यहाँ पर टॉप हैं, यहाँ पर जितने भी टॉप्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, इतने ख़ास नहीं हैं क्योंकि टॉप के जो कलेक्शन है वो मुझे अब की बार बिल्कुल भी ख़ास नहीं नज़र आया। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है अब की बार टॉप का जितना भी कलेक्शन आया हुआ है। एंड आगे आपको जितनी भी ये लॉन्ग स्कर्ट दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड में हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एंड ये लॉन्ग स्कर्ट आपको 200 एंड 250 में मिल जाएंगी। एंड आप यही अगर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये आपको 500 के ऊपर ही मिलेगी। इस तरह की शर्ट ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है तो मैंने इस शर्ट का जो प्राइस है वो पता किया, तो यहाँ पर इस शर्ट का जो प्राइस है प्रिंटिंग शर्ट का वो 350 है। एंड जो इसका फैब्रिक है वो भी अच्छा है बट कलेक्शन ज़्यादा नहीं है तो मैंने इसलिए ली भी नहीं यहाँ से शर्ट।
इस वक्त मैं पार्किंग एरिया के जस्ट सामने वाले रोड पर हूँ। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को शोरूम मिलेंगे एंड शोरूम में बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं, वेडिंग कलेक्शन एंड ऑल। ये कितने का भैया? 250। ये 250 की हैं। यहाँ पर जितने भी आपको स्लीपर्स दिख रहे हैं ये 250 की हैं। ये भी अच्छी लग रही है, मेरे पैर में कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं हो गई। एंड यहाँ पर आगे को आते हुए जस्ट पार्किंग के बिल्कुल साइड में आपको ये बैग सेलर मिल जाएंगे। यहाँ पर इनके पास बहुत अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं एंड सिर्फ 250 रुपये में ना आप इनसे कोई सा भी कलेक्ट कर सकते हो बैग। ये रेड वाला है, इसने राखी ने लिया है एंड इनके पास बहुत सारे कलेक्शन थे। इस वक्त का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब ज़्यादा क्राउड भी नहीं है बट ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है इस वक्त मार्केट का वो ज़्यादातर इयररिंग्स का है एंड फुटवेयर का है एंड हैंडबैग का है। इसके अलावा आपको सरोजनी नगर मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब मिलेगा लेकिन ओल्ड कलेक्शन ज़्यादा है इनके पास, अभी इतना नहीं है। तो ये भी दिल्ली हट का भी बनाया था परसों का, नहीं संडे सैटरडे सैटरडे आए थे। सो मार्केट से निकलते निकलते मैंने एक सब्सक्राइबर गेन कर लिया, ये मेरे लाइव सब्सक्राइबर हैं। सो फ्रेंड्स, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है एंड ये मुझसे कह रहे हैं कि आपकी वीडियो के थ्रू जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको डिस्काउंट में 100 रुपीज़ में कोई भी एक टॉप दूंगा एंड ये स्पेशली डिस्काउंट है मेरे लिए। तो आप अगर यहाँ आते हो इस वीडियो के थ्रू तो इन भैया से मिल लेना एंड इनकी जो शॉप है ये गेट नंबर 2 मेट्रो के जस्ट सामने है। हाँ, तो गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने है। आप रोड से बाय रोड आओगे तो आपको ये शॉप सामने ही दिख जाएगी, बिल्कुल रोड पे जो साइड में आपको दिख रही है ना इनके ही जो साइड में आपको इनकी शॉप दिख जाएगी। बहुत बड़ी सी है, मतलब इन्होंने ऐसे दीवार पे लगा रखी है। बहुत अच्छे टॉप और बहुत अच्छे कलेक्शन इनके पास एंड यूनिक कलेक्शन है इनके पास। सो लेट्स गो, अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।